अच्युतानंद महापुरुष कहते चकड़ा मड़ाण पोथी हे द्वादश गोपाल मु तेरा जन्म नेबी मोर आगामी तेर गोटी सुंदर अवतार हब धर्म ध्वजा संस्थापन पाई भगवान स्वयं जाजनग्र ठारे जन्म नेबे भगवान स्वयं भक्त मानक गहल रे लीला करिया को आसीबे गुप्तरे गुप्तरे लीला चलिबो चिन्ह देबे नहीं चिन्ह चिन्हिला लोक चिन्ह देखि चिन्हिबो गृहरे मुथिवि सन्यासे रहिवि चिता तिलक नथिब त्रिशूलर चिन्ह कपाळरे थिब प्रकाश तेबे जाणिब जय श्री अच्युत जय जसवंत जय जय बलराम जय जगन्नाथ जय श्री अनंत जय जय कल्किराम बोली अच्युतानंद महापुरुषंकर हे मोर माँ मैंने बापा मैंने कपाल को एमती संकुचित कले कह दीटा गार पड़े कह रीनटा गार पड़े विभिन्न रेखा ए संचरित हुए ये कपाल लिखन विधाता लेखती कर कपाल कोष्ठी एथिरु भाग्य भविष्य पढ़ा जाए भगवान स्वयं जेतेबेले अवतीर्ण हेबे अच्युतानंद महापुरुष कहते मु जन्म नेबी गृही होई सन्यासी नुह साधारण भाव चलु थी कपाल संतक रूप से त्रिशूलर चिन्ह धारण करी जी चिन्हारा ग्राहक हो सी ही चिन्ही पार गुरु रूपे से ही अपूर्व भाव नहीं लीला करू थाई किंतु से लीला को सहजरे कहा को चिन्हैवापाई से इच्छा करती ना महापुरुष गुप्तरे गुप्तरे लीला करिए बोली प्रत्यक्ष भावे कही अनेक डिंडिम पिटुचं ओ हेटी हेटी देख महापुरुष आसीगले हेटी देख तक लीला चली ए मोर माँ मैंने बापा मैंने अच्युतानंद महापुरुष आमको सावधान करी कही माया सन्यासी प्रबल हेबे सठता भंडामीर आश्रय नहीं अनेक मिछ कहे तेणु आम मिछरे पड़वानी व्याकु प्रार्थना केवल करवा महाप्रभु मोर आखि कहीं आपण को जानवापी मोर ज्ञान कहीं आपण को जानवापी आपण मत सतपथर नियंतु आपत जिते प्रकट हो मत आपण पाद तले टे जगह देवे।